जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ जाती है और रह जाती है तो बस यादें। वैलेंटाइन डे पे मिला वो पहला गुलाब का फूल, ग्रेजुएशन सेरेमनी की वो स्पेशल हैट और हमारे न्यू बॉर्न बेबीज की वो पहली तस्वीरें। लेकिन ये निशानियां जिंदगी भर टिक नहीं पाती, फूल मुरझा जाते हैं, हैट खो जाती है और तस्वीरें धुंधली पड़ जाती हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो जिंदगी भर टिकती है और वो है हमारा डीएनए। डीएनए हमारे बालों में होता है, हमारे दांतों में होता है, बेसिकली हमारी बॉडी का सब कुछ डीएनए है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने लव्ड वंस के डीएनए से एक खूबसूरत ज्वेलरी बना सकते हैं तो क्या आप बनाना चाहोगे? What? Yes, there is something called DNA jewelry. और यही लेकर आज मैं आप सबके सामने आई हूँ। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रीति मग्गो, मैं दिल्ली से हूँ और मैं लाई हूँ अपना ब्रांड मैजिक ऑफ मेमोरीज। मैजिक ऑफ मेमोरीज एक ऐसा अनोखा ब्रांड है जो आपके डीएनए को आर्ट फॉर्म में प्रिजर्व करके एक खूबसूरत कस्टम मेड ज्वेलरी बनाता है। उदाहरण के तौर पर एक औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम होता है उसके न्यूबॉर्न बेबी के साथ। वो उसके छोटे कपड़े, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड सब कुछ प्रिजर्व करके रखती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कोई प्रिजर्व नहीं करता और वो है ब्रेस्ट मिल्क, यानी माँ का दूध। लेकिन हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करके खूबसूरत ज्वेलरी बनाते हैं। इसके अलावा हम पेट डीएनए और ब्लड की ज्वेलरी भी बनाते हैं और लोगों के देहांत के बाद उनकी यादों को ताजा रखने के लिए मेमोरियल ज्वेलरी भी बनाते हैं। 2019 से अब तक हमने 500 से ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर किए हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारी वेबसाइट पे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा विजन है कि डीएनए ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट हम सब तक पहुंचा सके और उनकी सुनहरी यादों को खूबसूरती के साथ कैद कर सके। इसके लिए मेरी आस्क है 25 लाख पे 5% इक्विटी। तो शार्क्स, हमारे साथ जुड़िए और अपनी मेमोरीज को और भी मैजिकल बनाइए। आपने क्या चीज पहना है? ब्रेस्ट मिल्क ज्वेलरी। ऑफ योर मॉम? ऑफ मी। तो आप एक माँ है मतलब? जी, मेरी 5 साल की बेटी है। वाओ, और ये आपकी बेटी आपकी प्रेरणा थी क्या? सॉरी। जी। वेलकम प्रीति शार्क टैंक पे। थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका अभी भी डाइजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि काफी मुश्किल है, तो जरा इसको समझाइए, ये डीएनए ज्वेलरी कैसे हुआ? मतलब बाल, दांत और इसमें क्या रिश्ता? व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए? मतलब पेंडेंट के अंदर बाल है क्या? जी, पेंडेंट के अंदर बाल है, पेंडेंट के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड है, पेंडेंट के अंदर बच्चे का पहला दांत है और ब्रेस्ट मिल्क है। तो ये सब चीजें एक डीएनए है, तो इसलिए ये डीएनए ज्वेलरी है। तो एक काम करते हैं, इस पिच में थोड़ा प्रोडक्ट पहले देख लें। जी जी जी। बताने में किसका क्या होगा इसमें? नो नो, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन किसका क्या होगा इसमें? पर वैसे आपने डाला किसका डीएनए इनमें? ये मेरे क्लाइंट्स का। यार रख दो यार, कहाँ के उसके क्या होगा भाई। थैंक यू। ओ, ये वाले में बाल दिख रहा है। सॉरी, दैट इज बेबी का फर्स्ट बाल। मुझे नहीं देखना। तो इसमें इसमें ब्रेस्ट मिल्क है और? ओ भाई साहब, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड है जी। एक बात सिर्फ साफ कह दीजिए आप, ये चॉकलेट्स में कुछ डीएनए है कि नहीं? नहीं, ये हमारी होममेड चॉकलेट्स है। यू आर श्योर? राइट जी। ओके, थैंक यू। दिस इज हेयर एंड ब्रेस्ट मिल्क। यू डोंट टेक दिस बैडली। जब मैंने मेरा काम शुरू किया था बहुत हंसते थे लोग मुझ पे। मुझे भी, मेरे पे भी बहुत हंसते थे। लेकिन आपने ऐसा क्या हुआ कि आपको प्रेरणा मिली कि इसको डीएनए ज्वेलरी बनाएंगे जब आपकी बेटी पैदा हुई? मैं पीयूष पंसल जी को बताना चाहती हूँ कि मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। ओह वाओ, दैट चेंजेस एवरीथिंग।
Suddenly he likes this business. Congratulations. Thank you. और मैं ऑप्टिकल शॉप और मैंने आई हॉस्पिटल में भी जॉब किया है और 2017 में मेरी बेटी जब पैदा हुई तो मैंने जॉब छोड़ा. जर्मनी में एक कॉन्सेप्ट मैंने इसको देखा इस एक आर्टिकल पढ़ते हुए. जब आप बहुत ही बेहतरीन ज्वेलरी एक आर्टिस्ट बना रही है और वो बहुत फ्लरिश कर रहा है उनके कंट्री में वो बिजनेस, और मुझे वो ज्वेलरी पहले अपने लिए खुद के लिए चाहिए थी, बट वहाँ पे मुझे अपना ब्रेस्ट मिल्क भेजना और मेरे से ज्वेलरी बनवा के लाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था. तो उस टाइम मुझे ये आइडिया आया क्यों ना मैं ये इंडिया में स्टार्ट करूँ. तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा, ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी से कोर्सेज करे, और अपनी रिसर्च करने के बाद 2019 अगस्त में मैंने ये बिजनेस स्टार्ट. क्वाइट बोल्ड. वाओ. आपने और भी सोचा था कुछ करने को या सीधा आपने सोचा यही बेस्ट है? मेरा थॉट जब मैंने इसको पढ़ा उसके बाद कहीं और गया ही नहीं. कस्टमर जर्नी मुझे एक्सप्लेन कीजिए. एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है फ्रॉम ऑर्डर टू ऑर्डर फुलफिलमेंट? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे मैक्सिमम जो कस्टमर्स हैं वो इंस्टाग्राम से आते हैं. ओके. कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 60,000. वाओ वाओ वाओ. एंड वो सब ऑर्गेनिक है. काफी वीडियोस मेरी वायरल गई तो उसके बाद. आप वीडियोस हैं को दिखाएंगे हमें कैसे होता है? ये रेड पार्ट जो है वो शादी का थ्रेड है. ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें तो कुछ ऑकवर्डनेस है नहीं. बट वो चाहते थे कि मेरी कीपसेक में वो भी यूज हो. तो मैंने वो यूज करा, उसके बाद मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड डाला, उसके बाद ये मैंने इसके अंदर वाइट कलर का, दिस इज ब्रेस्ट मिल्क सो आई प्रिजर्व द ब्रेस्ट मिल्क. उसके बाद मैं इसके बाद ब्रेस्ट मिल्क को पोर करूंगी इसके अंदर. तो मैंने ये ब्रेस्ट मिल्क को पोर करा. को सॉलिडिफाई कैसे किया आपने? मेरे पास एक अपना यूनिक फार्मूला है जिसमें मैं ब्रेस्ट मिल्क को डिहाइड्रेट करती हूँ, उसके बाद उसको मैं रेजिन में ही कन्वर्ट करती हूँ. तो आपको नहीं लगा कि 3 साल में अगर सिर्फ 500 मेरे यूनिट बिके हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग 60,000 इंस्टा फॉलोअर्स, मे बी इसका डिमांड नहीं है इंडिया में? डिमांड है बट मैं ऑर्डर्स उतने नहीं ले पाती हूँ. मैं ये समझना चाह रहा था कि लोग तो एक बार आप ये दरवाजा खोल देती हैं कि यू कैन प्रिजर्व योर मेमोरीज, तो कुछ भी लेके आ जाते होंगे रिक्वेस्ट. जी. थोड़ा रेंज बताएंगी? एंड डोंट होल्ड बैक, कोई एक्सट्रीम केस भी हो तो बता देना. मेरे पास कुछ लोगों ने बोला कि आप स्पर्म प्रिजर्व कर सकते हैं. कुछ ने बोला कि आप पॉटी को प्रिजर्व कर सकते हैं. जाके सबको बताइए कि शार्क्स नहीं है, ये एक स्कूल है, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ एक हेड मिस्ट्रेस बैठी है. आपने स्पर्म वाली रिक्वेस्ट का क्या किया? ऑब्वियसली मैंने भाई ब्लड ज्वेलरी. ब्लड इज ओके मैम, मैटरनल मिल्क इज ओके बट स्पर्म इज नॉट. नो. क्यों? जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका जो केमिकल कंपोनेंट आप देखेंगे उसमें लिपिड्स है, फैट्स है, उसको प्रिजर्व करने का एक कम्प्लीटली डिफरेंट मेथड है जो मुझे आता है. जब स्पर्म के बारे में पूछा आपने एक शक्ल बनाई कि नो नो आई विल नेवर डू दैट, राइट? तो लेकिन देखा जाए तो अल्टीमेटली वो भी एक बॉडीली फ्लूइड है. मेरे पास इतने सारे रिक्वेस्ट में सिर्फ एक अकेला स्पर्म का रिक्वेस्ट आया तो मैं उसके लिए पूरी ज्वेलरी का एक लाइन क्यों बनाऊं? ठीक, चलिए. चलो बिजनेस पे आते हैं. अभी आपके नंबर्स क्या हैं, सेल क्या है, लास्ट मंथ कितनी सेल हुई? तो 2019 अगस्त से मेरा सेल रहा है 8 लाख. उसके बाद 2020 कोविड ईयर में 17 लाख. उसके बाद 2021 में 27 लाख. और अब तक मैं 24 लाख कर चुकी हूँ. और लास्ट मंथ कितना किया आपने? 4,17,000. और तो आप बहुत एक्सपेंसिव है. Exactly. 80 लाख for 500 pieces. जी, क्योंकि मैं सिल्वर एंड गोल्ड में ज्वेलरी बनाती हूँ. तो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज 11,000. और आपका प्रॉफिट कितना था लास्ट में? मेरा ग्रॉस मार्जिन 55% था. पर प्रॉफिट कितना आपने आपने खुद कितना? नेट मार्जिन इज 50%. 2 लाख कमाया इन्होंने लास्ट महीने. कौन है ऐसे कंज्यूमर्स, किस टाइप के लोग ये खरीदते हैं? 90% मदर्स. मदर को कुछ भी प्रिजर्व करना है या उनको ब्रेस्ट मिल्क ही प्रिजर्व करना है? या अगर आप उन्हें बोलें कि मैं खाली हेयर प्रिजर्व करके आपको पेंडेंट बना के दूंगी, इसको पूरी कम्युनिकेशन को सिंपलीफाई कर दूंगी, तो मदर्स विल नॉट बी हैप्पी? खाली हेयर का भी बनाती.
मैंने वो लव हेयर से लिखा है. वाओ, बट यू हैव गिवन इट अ वेरी एस्थेटिक सेंस. बहुत है, लगता नहीं है कि ये हेयर से बना. तो बट इट आल्सो हैज द इमोशन. एक्चुअली हेयर में कोई वो भी नहीं है, एक्सेप्टेंस में भी कोई इशू नहीं होगा, इजी टू अंडरस्टैंड है और इमोशन भी पूरा कैप्चर हो सकता है. तो आपने खाली सोचा कि खाली इसी पे फोकस करा जाए और बाकी? मेरा आइडिया है कि ये मार्केट काफी वास्ट है तो हेयर पे ही क्यों सीमित रहना. ये नया कॉन्सेप्ट है. जब आप नए कॉन्सेप्ट को इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं कि हमको भी समझने में इतना टाइम लग गया, तो जो फ्रिक्शन है ना यूजर डिसीजन का, वो बहुत आ जाता है. 90% का कितना ब्रेस्ट मिल्क है वो बता दीजिए तो उनको पता चलेगा. वो ऑफर कर रहे हैं तो लोग ले रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर. बिकॉज़ मेरा 50% उसमें से अगर आप देखें तो ब्रेस्ट मिल्क का आता है. तो मैं अपना डिसीजन बना चुका हूँ. जैसे जब बच्चे होते हैं ना तो वो एक आजकल एक बुक भी आती है, उसमें यू नो फर्स्ट हेयर फर्स्ट टीथ वो सब रख लेते हैं, स्क्रैप बुक टाइप्स होती है. वहां तक तो समझ आता था मुझे, बट थोड़ा सा मेरे आउट ऑफ बाउंड है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बिजनेस कैसे बनेगा जी. मैं रिलेट नहीं कर पा रहा, सो अनफॉर्चुनेटली आई एम. मेरा भी डिसीजन बन गया है प्रीति, तो मुझे नहीं लगता ये बिजनेस स्केल कर पाएगा. फॉर दैट रीजन आई एम आउट. बट यू नो व्हाट, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट आपने एक पैशन को कन्वर्ट किया इनटू ए बिजनेस और उसके लिए आपने इतना स्टडी किया, रिसर्च किया, खुद अपने हाथों से बनाती है, सो रिस्पेक्ट फॉर दैट. मेरा वही फीडबैक रहेगा आपको कि आप इसे सिंपलीफाई करो. अभी मुझे इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत छोटा है, आज मैं इससे बाहर हूं, बट कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक. चलिए, तीन शॉक आउट है. हाँ प्रीति, जैसे आपका 500 सेल हुआ है 3 साल में, वो इसीलिए है कि मुझे लगता है बहुत कम लोग इसमें विश्वास कर पाएंगे, तो इसे स्केलेबल नहीं है. हैविंग सेड दैट, 3-4 लाख का मंथली बिजनेस बनाना इन अ न्यू कैटेगरी बहुत कठिन काम है. आप 2 लाख रुपए महीने का अभी कमा रही हैं. बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो इतना पैसा कमा पाते हैं पर मंथ. इसी तरह यू कैन बिल्ड अ नाइस बिजनेस 5-6 लाख रुपीज अ मंथ मेकिंग प्रॉफिट एज एन आर्टिस्ट. मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम है. मैं इस काम को लेके इतना पैशनेट नहीं हो पाऊंगा. और जब आप ये आर्टिफिशियल बाउंड्रीज ड्रॉ कर रही हैं कि मैं ये करूंगी लेकिन वो नहीं करूंगी, सो आई थिंक समवेयर देयर इज सम काइंड ऑफ, क्या कहते हैं उसे, डिस्क्रिमिनेशन. फिलोसॉफिकली मैं उसके साथ अलाइन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आउट हूँ. बट यू नो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड आई विश यू द बेस्ट. थैंक यू प्रीति. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. थैंक यू.